विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर के विधायक आशीष शर्मा ने रविवार को संत निरंकारी मंडल ब्रांच हमीरपुर की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। ना व्हाट्सएप ज्ञान, आज इस वीडियो में मैं एलर्जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। ना फेसबुक बखान, अगर आप वेट लॉस डाइट पे हो तो भी आप पीनट्स खा सकते हो। झूठे फैक्ट्स नहीं, ना एक्सपेंसिव सामान, बस बात सेहत की रख कर आपका ध्यान। नीज की पेन चाहे वो आर्थराइटिस का इशू हो या कोई भी नॉर्मल पेन हो, ये बहुत कॉमनली यंग एज ग्रुप में भी हो रही है। एक नंबर और हर समस्या का हल, डाइट वर्च्यूज सेहत का साथी हर पल। बात करें सर्टिफाइड डाइटिशियन वाणी सिंगला से, लाइव 1 मई को दोपहर 2 बजे सिर्फ नेशन स्पीक्स पर 8091930300 पर। Diagnose with Vani Singla. Brought to you by Diet Virtues. इस मौके पर संत निरंकारी सत्संग भवन हमीरपुर पहुंचने पर ब्रांच के सदस्यों ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर ब्रांच संयोजक विनोद कुमार शर्मा, क्षेत्रीय संचालक डॉक्टर करतार चंद, संचालक हमीरपुर राजेश ठाकुर, मीडिया प्रभारी मदन लाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शिविर के दौरान हमीरपुर जिला से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर लगभग 150 यूनिट से अधिक यूनिट रक्तदान का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर विधायक ने कहा कि रक्तदान महादान है और इससे हम किसी को जिंदगी दे सकते हैं। संत निरंकारी मिशन समय समय पर ऐसे शिविर आयोजित कर जरूरतमंदों को जीवन दान दे रहे हैं। मिशन अब तक करीब 12 लाख यूनिट जुटाकर इतने लोगों के जीवन को बचा चुका है। आज यहाँ पे मुझे बुलाया गया है, रक्तदान शिविर यहाँ पे आयोजन किया है संत निरंकारी मिशन द्वारा, और यहाँ पे ब्लड डोनेट करने काफी लोग आए हुए हैं। इससे पहले भी यहाँ पे इनके द्वारा पिछले लगभग 15-20 दिन पहले जल स्त्रोत्र जो है हमारे, उसके लिए भी इन्होंने मिशन का बेड़ा उठाया था। आज पूरे भारतवर्ष में रक्तदान शिविर का आयोजन संत निरंकारी ये संस्था द्वारा किया जा रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ, और जैसे कि एक ये महान कार्य है समाज के लिए, किसी न किसी की हम जान के बचाने के भागीदारी बनते हैं। मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, इन्होंने भी यहाँ पे बताया करीब अभी तक संस्था द्वारा 12 लाख यूनिट पूरे भारतवर्ष में विश्व में डोनेट कर किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा आप मतलब अगर आप सोचेंगे तो मुझे लगता कि ये खुद में ही एक बहुत बड़ा नंबर है, और किसी 12 लाख लोगों की आप समझिए कि लगभग जान बचाने में इनकी भागीदारी रही है। तो मैं इनको बहुत ही बहुत बधाई देता हूँ, और अपना भी सौभाग्य समझता हूँ कि यहाँ पे आने का मौका मिला, इन सब का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। हालांकि यहाँ पे जो हमारा ब्लड बैंक है उसमें जगह भी नहीं है जितना लोग यहाँ पे आए हुए हैं ब्लड देने के लिए। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और इस नेक कार्य के लिए, समाज के लिए जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, इसके लिए इनका धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने रक्तदान करने पहुंचे लोगों का कुशल क्षेम जाना और उनका इस महादान में भाग लेने के लिए आभार भी व्यक्त किया है। हमीरपुर से अरविंद सिंह की रिपोर्ट।